नमस्कार दोस्तों। पूरे सीजन कोल्ड स्टोरेज चलने के बाद जब प्लांट को हम बंद करते हैं तो एलपीआर सिस्टम जो होता है, एलपीआर सिस्टम को हम कैसे वैक्यूम करते हैं जिससे कि जो ऑफ सीजन होता है ऑफ सीजन भर बंद रहे और कहीं भी गैस ठहरे नहीं और गैस लीकेज ना हो। तो ये प्रोसेस हर साल किया जाता है, क्योंकि अगर हम हर एक में गैस को छोड़ देंगे तो बीच में लीकेज होने की संभावना बनी रहती है। इस कारण से सीजन पूरा कंप्लीट होने के बाद जब कोल्ड स्टोरेज को बंद किया जाता है तब उस सीजन में एलपीआर सिस्टम जो होता है उसको कैसे हम वैक्यूम करते हैं और पूरे ऑफ सीजन के लिए कैसे सेफ बनाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आप सभी में से कोई न कोई ये चीज जानना चाहता होगा, क्योंकि सभी को नहीं पता होता। खासकर नए आदमी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये हर साल का प्रोसेस है तो ये करना पड़ता है। दोस्तों देख सकते हैं कि ये KC4 है और ये KC3 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि LPR है और इसमें जो लो प्रेशर रिसीवर जो होता है उसमें लगभग आधा की तरफ इसका लेवल रहता है। तो कुछ हम कम कर देते हैं तो इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। मानते हैं कि ठंडियों के दिनों में चलिए प्रेशर कम होता है, फिर भी बाई चांस ये प्रेशर बढ़ता है अगर इसमें लिक्विड ज़्यादा रहेगा तो इसी को हमें वैक्यूम करना होता है। साथ में अंदर जो क्वाइल होता है यानी इवेपरेटर होता है उसको भी साथ में वैक्यूम करते हैं ताकि उसका भी गैस आ जाए और यहाँ जो रिसीवर लगा है रिसीवर में आकर जमा हो जाए। तो ये सेफली हम करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों कि देख सकते हैं कि ये रिसीवर है और रिसीवर के ऊपर जो लिक्विड लाइन का वाल्व लगा होता है उसमें से एक वाल्व को हम बंद कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये लिक्विड लाइन का है और यहाँ से एक्सटेंशन वाल्व में जाता है। तो सबसे पहले हम मेन वाल्व को ही बंद कर लेंगे। देख सकते हैं कि इसे मैंने बंद कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ गैस नहीं जाएगा और ना ही एक्सटेंशन वाल्व जो यहाँ लगा हुआ है, वहाँ सोलेनोइड वाल्व है और साथ में एक्सटेंशन वाल्व वहाँ पर लगा होता है तो उधर से गैस नहीं जाएगा। तो मेन मैंने बंद कर लिया लिक्विड लाइन का, ठीक है। इसमें गैस देख सकते हैं कि गैस आधा से नीचे है। उसके बाद से इसमें हम क्या करेंगे, जो लिक्विड पंप होता है, पंप का जो पैनल होता है उसको हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद हम इसको ऑटो में कर लेंगे या मेन में कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ऑफ है तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद हम कंप्रेसर को चलाएंगे। वैसे मैं KC4 है उसको चलाऊंगा और कंप्रेसर चलाने के बाद इसे हम वैक्यूम करेंगे। मैं आगे बताऊंगा इसको वैक्यूम करने के बाद कि आपको कौन सा वाल्व आगे बर्न करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इस पैनल को स्टार्ट करते हैं और कंप्रेसर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने पैनल स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ ऑटो में लगाएंगे तो इसमें का जो लिक्विड है, जो इसमें लिक्विड बचा है वो सोलेनोइड वाल्व खुलने के कारण ये यहाँ से जाता रहेगा जैसे हम वैक्यूम करेंगे। अभी आपने आवाज़ सुना, वो थोड़ा सा प्रेशर था वो इसमें गया है, ठीक है। अगर ये अब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कंडेंसर को स्टार्ट करेंगे फिर कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। हम कंडेंसर को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। कंडेंसर स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं कंप्रेसर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कि कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं कि ऑयल प्रेशर आ चुका है या सक्शन प्रेशर है, ये ऑयल प्रेशर है। अब लोड में आने का इंतज़ार करते हैं। लोड में आ जाएगा तो हम इसको वैक्यूम करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ऑटो में है, आप चाहें तो मेन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और लिक्विड पंप को हम चला लेंगे। मैं एक लिक्विड पंप को चला लिया हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं कि
प्रेशर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा, ठीक है। तब तक हम इंतजार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पंद्रह बीस मिनट के आसपास हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं कि कम होना शुरू हो गया है। और यहाँ पर बर्फ भी आता दिखाई दे रहा होगा, बर्फ आ रहा है, वैसे पहले से चला था इसलिए बर्फ इसमें दिखाई दे रहा था। अगर कुछ ज़्यादा देर से बंद होगा ये तो बर्फ नहीं दिखाई देगा, जब इसको वैक्यूम करेंगे तब इसमें बर्फ पकड़ना शुरू करेगा दोस्तों। तो अभी आधा से थोड़ा कम लिक्विड है, क्योंकि मैं एक बार चला चुका हूँ, अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है। और इसी तरह जब थोड़ा वैक्यूम हो जाएगा, इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा तो बंद कर देंगे। और जब इसमें का बर्फ पिघल जाएगा, इस रिसीवर का बर्फ पिघल जाएगा, तो फिर कंप्रेसर को फिर से चालू करेंगे और इसे वैक्यूम करेंगे, ठीक है। तो मैं दो बार कर चुका हूं दोस्तों, और देख सकते हैं कि अभी ये सेक्शन एक के पास है, 1 kg। तो लगभग आधे घंटा हो गया है दोस्तों, आधे घंटे में प्रेशर काफ़ी डाउन हो गया है। अब सोलेनॉइड वाल्व खुला हुआ है इसका, और इसमें का प्रेशर जा रहा है। अब यहाँ तक गैस इसमें बचा है, जहाँ तक बर्फ दिखाई दे रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि आपका प्रेशर जो है, ये सक्शन प्रेशर डाउन हो गया है। और इसमें ही देख सकते हैं कि 1.5 kg के आसपास इसमें प्रेशर दिखाई दे रहा है, यानी ये अच्छी तरह वैक्यूम हो गया है। और लिक्विड जो आधा पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर आ गया है। अब इसे हम बंद कर देंगे कंप्रेसर को, ठीक है। देख सकते हैं कि इतना हो गया, अब कंप्रेसर को हम बंद करते हैं, ठीक है। पंप को भी हम बंद कर लेते हैं, पंप भी बंद कर दिया। अब प्रेशर यहाँ 1 से नीचे आ गया है, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर कोई बात नहीं है, प्रेशर तो बढ़ जाएगा अपने आप, क्योंकि इसमें कुछ लिक्विड रहेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विड है, तो इसमें का प्रेशर जैसे जैसे ये गर्म होगा प्रेशर बनेगा, और इसका स्तर और डाउन हो जाएगा, और प्रेशर थोड़ा जो पहले 60 के आसपास था वो प्रेशर डाउन होकर 30 के आसपास हो जाएगा, 40 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और इसका गैस देख सकते हैं कि इसमें इतना ही गैस बचा है, अभी कम से कम आधा होता है, आधा से ज़्यादा होता है जब चलता है प्लांट, तो इसमें आधा से कम हो गया है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको भी इस तरह भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी लीकेज नहीं होगा। आप चाहे तो वापसी का बंद कर सकते हैं, मेन वाल्व जो है यहाँ देख सकते हैं, ये जो वाल्व है ये चेंबर से जो लाइन है सेक्शन का वो आ रहा है और एल्पियर में जा रहा है, तो इसको भी बंद कर सकते हैं, ताकि चेंबर का जो प्रेशर है ये 1.5 kg से ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। क्योंकि चेंबर अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका है, अंदर बर्फ़ भी नहीं पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बंद कर सकते हैं,
अदरवाइज इसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, बाद में ये बर्फ़ पिघलने के बाद भी प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए आप इसे खुला भी छोड़ सकते हैं अगर आपको अंदर किसी कोई चीज़ का काम ना करना हो तो। ठीक है, तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो जो सेक्शन जा रहा है कंप्रेसर से, देखते रहें कंप्रेसर से सेक्शन जा रहा है एलपीआर में, उसको भी बंद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिक्विड आधा से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए दोनों को आप बंद कर सकते हैं। अदरवाइज आप दोनों को भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई भी नहीं बंद करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप सक्शन बंद कर दीजिए अभी, क्योंकि इसका प्रेशर काफ़ी डाउन है, तो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज को भी पूरी तरह बंद कर सकते हैं और सेक्शन को भी पूरी तरह बंद कर देंगे, तो इधर से कनेक्शन सेक्शन का कट जाएगा और डिस्चार्ज से होकर कोई भी लीकेज गैस एलपीआर में नहीं जाएगा। यहाँ से मैं इसको बंद कर लेता हूँ और सेक्शन को भी बंद कर लेता हूँ, तो जितने भी कंप्रेसर हो आपका सेक्शन डिस्चार्ज बंद रहेगा और जो जिससे मैं वैक्यूम किया था उसको भी बाद में हम वैक्यूम करने के बाद बंद कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि तो मैं सेक्शन भी बंद कर लिया और डिस्चार्ज भी बंद कर लिया, तो अब प्रेशर कहीं से भी एलपीआर में नहीं जाएगा। बाकी देख सकते हैं कि रिसीवर का जो है, पहले तो गैस देख लेंगे रिसीवर में कितना गैस है, एलपीआर को खाली करने के बाद इसमें कितना गैस बचा हुआ है, तो इसमें अभी देख सकते हैं कि आधा गैस है, तो जब आधा गैस है या आधा से कम है तो आप जो कंडेंसर है, कंडेंसर का वापसी का जो वाल्व है इसे बंद कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी बंद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें का जो प्रेशर बनेगा ये कंडेंसर से जाता रहेगा और कंडेंसर से इधर आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये खुला रहेगा तो सबसे बढ़िया। आप चाहे तो बंद कर सकते हैं, अगर इसमें प्रेशर सही लेवल का लिक्विड हो तभी बंद कर सकते हैं, अगर आधा से ज़्यादा हो तो इसे नहीं बंद कर सकते। ठीक है, तो आधा से कम है या आधा है तो इसे हम बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बंद करता हूं, क्योंकि नहीं मुझे कंडेंसर में कोई काम है, नहीं मुझे रिसीवर में भी कोई काम है, तो इसलिए मैं खुला छोड़ता हूं। ठीक है, बाकी सब वाल्व मैंने खुला छोड़ दिया है। वैक्यूम कर देते हैं दोस्तों, तो इसमें क्योंकि 150 से ज़्यादा इसका गेज नहीं लगा होता है, इसमें 150 PSI से ज़्यादा का गेज इसमें नहीं लगता है, इसलिए उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, इसलिए आप हो सकते हैं जितना खाली करना चाहे खाली कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गैस छोड़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अचानक कहीं धूप आएगा या गर्मी बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और इसमें से कोई भी वाल्व लीकेज होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए जितना हो सके खाली से खाली कर सकते हैं और इस रिसीवर में और कंडेंसर में गैस को कर सकते हैं। ठीक है, तभी ये सेफ रहेगा, अदरवाइज आप इस तरह भी खुला छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं होता है, एलपीआर में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन प्रेशर बढ़ता है फिर जाकर कभी कभी प्रॉब्लम आ सकता है। अब दोस्तों इसको हम इस पैनल को ही बंद कर लेंगे, पहले हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं सोलेनोइड को और इस पैनल को ऑफ़ कर लेते हैं। बाकी मैंने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, अब इसमें नहीं अब गैस करने खाली करने की आवश्यकता है, फिर दोबारा वैक्यूम करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका लिक्विड बस इतना ही बचा हुआ है, इसलिए हम इसे दोबारा वैक्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम छोड़ देंगे पूरे सीजन भर, ये सेफ रहेगा। हाँ, आपको अगर एलपीआर में कोई काम करना हो तो आप इसको पूरी खाली करना पड़ेगा और सारे गैस को कंडेंसर और रिसीवर में करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।